उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने योगी सरकार को कटघरे में घेरते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जैन साथियों, पिछले 30 घंटे से मुझे मेरे साथियों के साथ आदित्यनाथ जी की पुलिस ने सीतापुर के बिस्वा में हिरासत में रखा हुआ है। मेरा अपराध क्या है, मेरा गुनाह क्या है, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन कल जो वीडियो सामने आया वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की आत्मा को हिलाने वाला वीडियो, वो निश्चित रूप से ये बताने वाला वीडियो है कि आजादी के 75 साल के बाद देश के अन्नदाताओं की कीमत सत्ता की निगाह में कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं। मंत्री की गाड़ियां किसानों को किस निर्ममता के साथ कुचलती हुई, रौंदती हुई, उनकी हत्या करती हुई जा रही हैं, ये वीडियो शायद आपने भी देखा होगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से कल जो कुछ टीवी चैनल ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि नहीं नहीं मंत्री के बेटे ने तो अपनी जान बचाने के लिए और मंत्री की गाड़ियां तो अपनी जान बचा के भागी हैं, आप देखिए किस तरीके से सत्ता के नशे में चूर मंत्री के गुंडों ने इन गाड़ियों से किसानों को रौंदा है, कीड़े मकोड़े की तरह रौंद के मार दिया। मुझे आप बताइए, क्या अब तक आदित्यनाथ जी की पुलिस ने मंत्री को गिरफ्तार किया? क्या अब तक मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हुई? क्या अब तक हत्यारों की कोई गिरफ्तारी हो पाई? पिछले 30 घंटे से शोक संवेदना व्यक्त करने में जाना चाहता हूं। मुझे मेरे साथियों के साथ यहां पर पुलिस हिरासत में रखा गया है, लेकिन अपराधी हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। यह है आदित्यनाथ जी की पुलिस के न्याय का सिद्धांत, यह है आदित्यनाथ जी की सरकार का न्याय, यह है मोदी सरकार के अपने मंत्री के प्रति प्रेम। इतनी बड़ी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, आज उस पर देश के प्रधानमंत्री मौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौन है। सवाल आपको पूछना होगा, जब तक सत्ता के नशे में, सत्ता के अहंकार में मदहोश इन नेताओं से जवाब नहीं मिल जाता, जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। जय योगी सरकार की पुलिस ने मंत्री के लड़के को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, ये कहां तक ठीक है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि देश और दुनिया की सारी खबरें तक पहुँचाई जा सके।